और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और शानदार फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवीज़ होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले, बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और TV राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस फैन कट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है।
राधा नहीं जाती है, फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कंपटीशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगारंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवीज होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू, अली फीस, वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटी का तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे।
तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में स्टैम्प टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तभी इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देता रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद।
क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे। तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी भी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है। और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी। तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पे पढ़ रही होती है तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी।
अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिस यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े होंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और यह इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर।
इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है, स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी, तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केटिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू अली, फीस वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है, और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों
दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद, फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे। बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश या ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स
वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस पैन कट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है। और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन तक चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे। क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है, जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की,
जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवीज होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं। वैसे आपको मूवी पसंद आएगी, और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था, और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है, और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पे पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में स्टैम्प टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज़ बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर ही टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं,
सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और TV राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटी का तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापट मार देती है, फिर जो ऋषि है राधा को झापट मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचे दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और
उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कंपटीशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुअंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है, स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटी का तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर।
अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे। बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में स्टैम्प टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है, जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तभी इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में, और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है, स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है,
तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं। वैसे आपको मूवी पसंद आएगी और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस वेनकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पे पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे।
साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और शानदार फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगारंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिस यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बु राजू, अली, फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े होंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और यह इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापट मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापट मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचे दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है।
तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइंड इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है, स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी, तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले, बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू अली, फीस वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है, और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और
इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कंपटीशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में स्टैम्प टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिस यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो।
पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है और केतिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापट मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापट मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचे दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ।
तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगी और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं। वैसे आपको मूवी पसंद आएगी और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे। तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए, तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पे पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं,
वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज़ बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइंड इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो। पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापट मार देती है, फिर जो ऋषि है राधा को झापट मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर
सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे। बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कंपटीशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तभी इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुअंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है, स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो। अब पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है।
अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली फिश वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है। और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े होंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे। बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में स्टैम्प टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी।
और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवीज होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं। वैसे आपको मूवी पसंद आएगी, और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था, और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे। तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है, और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पे पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम टाइम जो है स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज़ बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट देखने को नहीं मिलते हैं,
सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश या ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बु राजू, अली फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केतिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े होंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापट मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापट मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और
उसके दोस्त से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे। बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी, तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कंपटीशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है, जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में, और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटस बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले, बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था, और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए, तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्ब राजू, अली फीस, वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटी का तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर।
अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी। तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम टाइम जो है उस स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर ही टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। और कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में, और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिस यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है,
इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसी नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बू राजू, अली, फीस वैन कट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज़ बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे।
साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और शानदार फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगारंगा वेभुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवीज होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती, जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले, बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए, तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू, अली फीस, वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है।
तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज़ बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात ना आपको दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगा रंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 5 में से 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनके मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ने बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, शुभ राजू अली, फीस वेंकट प्रभु, तुलसी सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है, और केटी का तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही, और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े हो गए तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और
इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं, और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम टाइम जो है स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं फैमिली के साथ, इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडोल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ। कौर कमाल की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मूवी कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे, साथ में इस मूवी की कहानी क्या है और संदर्भ फैक्ट इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों मूवी काफ़ी कमाल की है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में, और ये जो मूवी है वो कहाँ पर अवेलेबल है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मूवी का जो नाम है वो है रंगारंगा वेबुवंगा। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में। तो ये एक रोमांस मूवी है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ड्रामा, जो काफ़ी सही मूवी है। स्टोरी जो है काफ़ी सही है, स्टार्ट से ही आपको पकड़ लेंगे और ये मूवी ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.2 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग थी। और वहीं पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज रेटिंग इस मूवी की है। और जो गूगल यूजर है वहाँ पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा हुआ डायरेक्ट किया था क्रिस यान ने, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी, और उनकी जो मूवी होती है काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी महानती जिसके वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सही मूवी थी। तो इनकी मूवीज़ के अंदर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो इस मूवी की कहानी वैसे कुछ नया जैसे नहीं लग रही है, बट आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हैं, वैसे आपको मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी के ना बहुत सारे टेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे टेटर्स बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मूवी इस तरह से हमारे सामने आती है ना, जो आपको भले ही ये मूवी के अंदर कोई स्टोरी ना मिले बट मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना कि आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मूवी बेकार थी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो।
अब पता नहीं कि जो तेलुगु ऑडियंस है उनको ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 6 करोड़ का हुआ था, मतलब ये मूवी फ्लॉप रहती है। अगर इस मूवी के सारे राइट्स को मिला ले तो कह सकते हैं कि ये मूवी ना तो हिट रही ना तो फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी के जो राइट्स बिके होंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी राइट्स, वो सारे के भी बहुत सारे पैसे ऐड हुए होंगे, तो कह सकते हैं कि एवरेज मूवी रही है। अगर इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं केतिका शर्मा, वैष्णव तेज, नवीन चंद्रा, सुब्बराजू, अली, फीस वेंकट, प्रभु, तुलसी, सत्या। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। और स्पेशली यहाँ पर जो वैष्णवी है उनकी भी एक्टिंग, वैष्णव है उनकी भी एक्टिंग काफ़ी सही है। और केटिका तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस मूवी के अंदर। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो कहानी है वो ऋषि और राधा की होती है, जो बचपन में ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं 14 साल की उम्र में ही। और ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जब भी बड़े होंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। तब जो उनकी फैमिली के लोग थे उनको यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बचपन का प्यार बचपन से चलता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है, वो लोग यही सोच रहे थे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इस मूवी के अंदर बंदा होता है, कह सकते हैं कि विलन है, मतलब जो अर्जुन है वो इस मूवी के अंदर होता है, और यह इन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर ऋषि अर्जुन की लड़ाई चलती रहती है और ऋषि अर्जुन को एक बार मारता है, वहीं पर राधा उसको झापड़ मार देती है, फिर जो ऋषि है वो राधा को झापड़ मार देता है। तो यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट ये दोनों दूर हो जाते हैं कुछ बहुत समय बाद। फिर एक दिन मिलते हैं और ये दोनों ही कुछ डॉक्टर का पढ़ रहे होते हैं और वही जगह पर ये दोनों मिलते हैं। फिर यहाँ पर सब कुछ तो सही चल रहा होता है, फिर जो ऋषि की बहन होती है उससे ना कोई शादी करने वाला होता है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर ऋषि को मालूम पड़ता है कि जो मेरी बहन है वो किसी और से प्यार करती है। अब यहाँ पर उसके दोस्त को भी काफ़ी बुरा लगता है, बोलता है कि यार ये सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और यहाँ पर उसका दोस्त काफ़ी पैसे वाला होता है और ऋषि को नीचा दिखाता है, कि बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हो। यहाँ पर ऋषि और उसके दोस्त की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर जो राधा है उसकी फैमिली के अंदर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राधा की फैमिली और ऋषि की फैमिली पास पास में रह रहे थे, बट यहाँ पर ये सब लड़ाई चल रही थी तो ये सोच रहे हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि राधा अपनी जो फ्रेंड है उनके घर पर पढ़ रही होती है, तो राधा नहीं जाती है। फिर राधा और ऋषि एक प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये दोनों ही साथ में टाइम जो है स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पहले जैसे अब बन चुके थे, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो वही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो सब कुछ देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लेन से आप सिर्फ मूवी को स्टोरी समझ सकते हैं, मूवी को फेल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूवी को ज़रूर देखिए, मूवी आपको मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल डब कर दिया है, अगर आप वो चाहे तो वो वाला वर्जन देख सकते हैं, वरना आपको टीवी पर यह मूवी जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और इस मूवी का जो बैनर है वो कंफर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बी फॉर यू है वो इस मूवी को ले सकता है, क्योंकि बी फॉर यू ऐसी मूवीज बहुत लेता है, वरना गोल्ड माइन इस मूवी को ले लेगा। और इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा 2 महीने के अंदर है टीवी के ऊपर। तो अगर आप एक क्रोमास मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी, देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी के अंदर आपको कोई भी ऐसे एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलते हैं। सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है जो आपको पसंद आएगी। भले ही तेलुगु ऑडियंस को मूवी पसंद ना आई हो, बट जब ये मूवी हिंदी भाषा में आएंगे तब इस मूवी के काफ़ी अच्छे चर्चे होने वाले हैं, ये मैं बात नाम के दावे से कह सकता हूँ। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ।